हेलो फ्रेंड्स, द बर्निंग इश्यूज ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आसिफ नज़ीर। दोस्तों, आइए डिस्कस कर लेते हैं आज का न्यूज़पेपर। आज है 16 अक्टूबर और हम डिस्कस कर रहे हैं द हिंदू। दोस्तों देखिए, फ्रंट पेज पे जो सामने न्यूज़ है, पाकिस्तान विड्रॉज टेरर चार्जेस अगेंस्ट हाफिज़ सईद। ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस दो तीन चीज़ें इसमें हम देखेंगे। देखिए, एक तो क्या हुआ, आखिर क्या है ये मैं बता दूँ, ये न्यूज़ है क्या। ये एक जमात उद्दावा, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ये चीफ है हाफिज़ सईद। सो वहाँ के कोर्ट ने कहा है, वहाँ की गवर्नमेंट से, कि आप इन पे चार्जेस फाइल कीजिए, नहीं तो हम इनको क्या करेंगे, रिहा कर देंगे। इनको अभी अंडर अरेस्ट किया गया है, होम अरेस्ट हालांकि है। सो इनको सुप्रीम कोर्ट, वहाँ की कोर्ट ने इनको रिहा करने की बात कही थी। सो इनसे रिलेटेड दो तीन चीज़ें बस हमें याद देखनी है, इसके अलावा इनसे हमारे इसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं है। देखिए, ये है जो ये इन्वॉल्व थे 2008 का जो मुंबई ब्लास्ट हुआ था, उसमें क्या नाम है, ये इन्वॉल्व हैं। और इसके अलावा यूएन ने भी इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर रखा हुआ है। और इसके अलावा यूएस ने इस पे 10 मिलियन की बाउंटी रखी है, ठीक है। सो उनके अरेस्ट पे 10 मिलियन की बाउंटी रखी है। सो यही इनसे रिलेटेड वो है, इसके अलावा कुछ खास नहीं है इसमें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू का, बस दो तीन चीज़ें याद रखें। और इसके अलावा देखिए, ये दो न्यूज़ है। बाई पोल चेयर फॉर कांग्रेस एज झाकड़ सीट सिंह गुरदासपुर में कांग्रेस ने अच्छी जीत हासिल की है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि बाई पोल क्या होते हैं। बाई पोल देखिए दोस्तों, वो इलेक्शंस होते हैं जो जैसे किसी के कोई अगर एमएलए एमपी अगर कोई एक्सपायर कर जाता है या रिजिग्नेशन दे देता है, और या उसकी में सदस्यता ख़त्म कर दी जाती है इसी के द्वारा या कोर्ट के द्वारा, तो ये इन सब सारी सिचुएशन में वहाँ की सीट वैकेंट हो जाती है, ठीक है। तो उसको फिल करने के लिए बीच में ये बाईपोल इलेक्शन कराए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये देखिए, ये बाइट ऑफ कश्मीर, आप लोगों को पता होगा एप्पल्स जो होते हैं कश्मीर की क्रॉप्स हैं। तो इसमें देखिए, हमें एक चीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये मिड सितंबर में, सितंबर ना नवंबर में ये इनकी क्या होती है, हार्वेस्टिंग की जाती है। तो थोड़ा सा ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा रेन हैवॉक कंटिन्यूज इन बेंगलोर, जैसा कि हम कई दिन से डिस्कस कर रहे हैं, पिछली कई सारे न्यूज़ में भी हमने डिस्कस किया था कि बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद में ये रेन क्या रेन काफ़ी हुई है। और वहाँ पे ये देखिए, पानी है आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे, और एक फ्लड जैसी सिचुएशन वहाँ पे हो गई है, ठीक है। तो इसमें लिख रहे हैं देखिए, ड्यूरिंग द लास्ट 60 डेज इट हैज़ रेंड ऑन 46। देखिए, लास्ट 2 महीनों में यानी कि 60 दिनों में 46 डेज बारिश हुई है। सो उनका जो ड्रेन सिस्टम है वो एक तरीके से कोलैप्स कर गया है ना, जो पानी को निकालने का जो सिस्टम होता है, ड्रेन सिस्टम जिसको कहते हैं, तो वो एक तरीके से उसको उसकी कैपेसिटी इतनी उतनी क्षमता नहीं है कि उसको निकाल सके, इसलिए वहाँ पर पानी जैसे फ्लडेड हो गया है और पानी मतलब रुका हुआ है, ठीक है ना। तो उसको धीरे धीरे रिसीड होने में टाइम लग रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, वहाँ की लाइफ देखिए अफेक्टेड है। और देखिए, यहाँ पे इतनी बारिश हुई कि 16 ईयर की एक लड़की देखिए वाश्ड अवे स्टॉर्म वन ड्रेन हो, 16 साल की एक लड़की उसमें बह भी गई। सो काफ़ी ग्रीव सिचुएशन है यहाँ पे। गवर्नमेंट को इस पे अर्बन प्लानिंग में गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और ये देखिए, आगे बढ़ते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये देखिए, विधानसभा वहाँ की, बेंगलुरु की जो विधानसभा है वो अपना 60 ईयर्स अपनी, वो 60 एनिवर्सरी बना रही है, ठीक है, 60th एनिवर्सरी बना रही है। तो उन्होंने क्या कहा है कि वो अपने लेजिस्लेटर को क्या कर रहे हैं कि वो गिफ्ट देने वाले हैं गोल्ड कॉइन या गोल्ड बिस्किट, और अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं 5,000 एम्प्लॉयज़ जो है इनको ये एक सिल्वर प्लेट देने वाले हैं। और इस पर टोटल खर्चा आएगा 26 करोड़, इंक्लूडिंग 3 करोड़ टुवार्ड्स द गिफ्ट। सो ये देखिए, ये टोटल खर्चा आएगा, ये अपने लिए ये लोग ले रहे हैं, हालांकि ये पब्लिक के लिए करते तो बेहतर होता। खैर, जो भी है, प्रो बोनो नॉर्म्स फॉर जजेस टू। दोस्तों, प्रो बोनो हम लोगों ने डिस्कस किया था, अभी एक सीनियर जजेस, सॉरी सीनियर लायर्स को से रिलेटेड एक न्यूज़ आई थी कि उनको रिक्रूट करने के लिए इस प्रो बोनो को कंसीडर किया जाना था, ठीक है ना। तो उसी प्रो बोनो को ये जजेस के अपॉइंटमेंट में भी लागू कर रहे हैं। अब प्रो बोनो दोस्तों, अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ आप लोगों को, तो देखिए प्रो बोनो होता क्या है, प्रो बोनो होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आपको किसी को एड प्रोवाइड करते हैं, फ्री लीगल एड जिसे कहते हैं, मतलब आप अगर लॉयर हैं तो आप किसी गरीब इंसान की फ्री में अगर आप केस लड़ते हैं उनका, या किसी एनजीओ वगैरह का, या किसी ह्यूमन राइट का केस आप अगर फ्री में लड़ते हैं, तो उसको प्रो बोनो कहा जाता है। तो उसको एक तरीके से कंसीडर करने की बात की जा रही है, और ये सीनियर लायर के केस में हुआ था, और अब जजेस के लिए भी ये अप्लाई करने
वाले हैं। और अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इस पे हमारे इस पेज पे कुछ खास नहीं है। एसपीज स्टूडेंट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये हमारे लिए नहीं है। एक न्यूज़ जो ये है, पंजाब कांड कंपनसेट, तो वहाँ के सीएम ने कहा है, हमने ये न्यूज़ डिस्कस की थी कि वहाँ पे जो स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम है, जो दिल्ली में पोल्यूशन का मेन रीज़न माना जा रहा है, तो उसमें इन्होंने क्या कहा था कि कई दिनों से फार्मर्स ये क्या कह रहे थे कि धमकी दे रहे थे कि हम स्टबल बर्निंग जारी रखेंगे अगर आप हमें कंपनसेट नहीं करोगे। तो देखिए, वहाँ के सीएम ने कहा है कि हम कंपनसेट नहीं करेंगे। हम क्या कर रहे हैं कि हम कमिटेड हैं, एनजीटी ने एनजीटी के जो ऑर्डर है तो उसको हम एक तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो ये कह रहे हैं कि ही कुड नॉट अफोर्ड द कंपनसेट टू फार्मर फॉर द पैडी रेसिड्यू मैनेजमेंट। वो कह रहे हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते ये कंपनसेट। और ये भी कह रहे हैं कि इसमें सेंट्रल को इंटरवीन करना चाहिए। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट नीड्स टू स्टेप इन एंड एग्री टू स्टेट्स डिमांड ऑफ 100 रुपी पर क्विंटल, ये डिमांड कर रहे थे, और शायद 4,000 रुपये पर एकड़ था। हम लोगों ने शायद डिस्कस किया था, आप लोगों को अगर याद हो तो। सो ये कह रहे हैं, तो एक तरीके से राहत नहीं मिलने वाली है फार्मर्स को। ठीक है, इसके अलावा देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे इस पेज पे हमारे लिए कुछ खास नहीं है। और नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे लिए है, देखिए ये भी न्यूज़ हम काफ़ी दिनों से इसको डिस्कस कर रहे हैं। जो यवतमाल जो महाराष्ट्र में है, यहाँ पे हुआ यूँ था कि पेस्टिसाइड के स्प्रेइंग के दौरान कुछ लोगों के हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी। आईज में विजुअल इम्पेयरमेंट जिसे को कहते हैं, आई से रिलेटेड दिक्कत हो गई थी, उनकी रोशनी वगैरह में प्रॉब्लम आई थी। और इसके अलावा भी इसमें, तो देखिए टोटल डेथ जो हुई है इसमें करीब 22 डेथ हुई थी, 22 या 23, इसे तो 11 और लोगों को एडमिट किया गया है। तो 22 बता रहे हैं कि इंडोर पेशेंट वहाँ पे हैं अभी। तो ये देखिए हुआ यूँ था कि जीएम क्रॉप जो है बीटी कॉटन, उस पर ये लोग स्प्रे कर रहे थे, और इस बार क्रॉप काफ़ी अच्छी हुई थी और 6 फीट से ज़्यादा उसकी हाइट थी। तो इन्होंने इस पर स्प्रे किया, और स्प्रे चूँकि हाइट ज़्यादा थी तो ऊपर स्प्रे किया एयर में, और उसके थ्रू ये पूरा स्प्रे फैल गया। और ये जो पेस्टिसाइड का कॉम्बिनेशन था उसको भी एक तरीके से ब्लेम किया गया था कि उसका जो कॉम्बिनेशन था, कंपोनेंट्स थे, वो उसके रेशियो सही नहीं थे, या वो कंपोनेंट ही सही नहीं थे, इसको भी एक तरीके से ब्लेम किया गया था। ठीक है, अगली न्यूज़ देखिए, मिनिस्ट्री नोट फॉर कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे का आपने नाम बहुत सुना होगा ना। ये देखिए जो हमारा, अभी मैं आपको लोकेशन इसकी दिखाऊंगा, पहले कोंकण रेलवे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि ये अक्सर देखने को मिलता है। तो ये कोंकण रेलवे जानते हैं क्या दोस्तों, ये इंडियन रेलवे का ही एक सब्सिडियरी जोन है। ठीक है, और जो इंडिया के जो 17 जोन है उनमें से एक ये भी है, लेकिन इसका कोई डिविजनल स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब अलग से। ठीक है ना, जैसे और है आपका जी सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, इस टाइप से, तो इनका कोई डिविजनल स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन ये एक सब्सिडियरी जोन है। और ये ऑपरेट कैसे होता है, ये इनका एक कॉरपोरेशन है जिसे कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन कहते हैं, तो वही इसको ऑपरेट करता है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीलापुर में है, नवी मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये याद रखें। और फर्स्ट पैसेंजर जो ट्रेन यहाँ पे रन की थी, जो चलाई गई थी कोंकण रेलवे की, वो 20 मार्च 1993 को बिटवीन उडुपी एंड मंगलोर चलाई गई थी। ठीक है, तो मैं एक बार तो दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो है कोंकण रेलवे कहाँ है। और कोंकण देखिए, अगर आप एक सेकेंड, ये देखिए दोस्तों, ये जो है मैप आप देख ले हैं, ये देखिए ये जो है बिल्कुल वेस्टर्न हमारा जो कोस्ट है इससे ये लगती हुई, ये देखिए कोंकण रेलवे ये जो है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दें कि ये कोंकण रेलवे, इसकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ से कहाँ चलती है। तो बस ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट था, हमने कोंकण रेलवे के बारे में थोड़ा सा जाना। और इसमें देखिए, डोंट राइड ड्राइव योर चिल्ड्रेन टू फ्रस्टेशन नाइडू टेल्स, ये इसमें कुछ है नहीं हमारे लिए। ये देखिए, ये डिबेट कल हमने एक न्यूज़ डिस्कस की थी अगर आपको याद हो तो, प्रॉक्सी वोटिंग से रिलेटेड। सुषमा स्वराज ने कहा था कि अब हम जल्दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में अमेंड करने वाले हैं और प्रॉक्सी वोटिंग को अपनाने वाले हैं। सो इसमें ये कहा गया है कि इस पे एक डिबेट होनी चाहिए, एनआरआईज गैदर मोमेंटम, और ये एनआरआईज जो है इससे इनको मोमेंटम मिलेगा। और ये देखिए, ये लिख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, एलडीएफ और यूडीएफ। आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों एलडीएफ और यूडीएफ लिखा है ना। तो एलडीएफ और यूडीएफ इसलिए लिखा है क्योंकि ये देखिए दोनों, ये केरला की पार्टी है। ठीक है, और केरला में ही सबसे ज़्यादा एनआरआईज पाए जाते हैं। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा बाहर वहीं के लोग रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे देखिए। और इसके अलावा ये लिखा है कि केरला, पंजाब, गुजरात आर द 3 स्टेट दैट हैव मेजर
एक्सपैट्रियट पॉपुलेशन। सो यहाँ पे तीन स्टेट जो है केरला, पंजाब और गुजरात, यहाँ के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बाहर रहती है। और देखिए, सुषमा स्वराज ने जो बात कही थी उसमें दो तीन चीज़ें जो कंसर्न्स हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया गया है। वो एक तो ये कह रहे हैं कि वोटर वेरीफाई जो वीवीपैट है वो इनसफिशियंट है जो हमारे कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि वो फुल प्रूफ वेरिफिकेशन सिस्टम अभी भी नहीं है। ठीक है, तो एक कंसर्न ये हो गया कि वीवीपैट अभी भी इनसफिशियंट है, वो फुल प्रूफ नहीं है। इसके अलावा दूसरी बात कर रहे हैं कि कमीशन वुड हैव टू डिफाइन वेदर द प्रॉक्सी कुड बी इमीडिएट फैमिली मेंबर, वाइफ, हस्बैंड, वार्ड और पेरेंट ऑफ द रनर। जो ये कह रहे हैं कि जिनको आप प्रॉक्सी बनाएंगे, जिनको आप ऑथराइज करेंगे वोट देने के लिए, वो कौन होगा? तो ये कह रहे हैं कि वो डिसाइड करना होगा कमीशन को कि वो फैमिली मेंबर ही आपका होगा, आपकी वाइफ, हस्बैंड या आपके आपके पेरेंट्स। ठीक है ना, तो ये आपको पहले डिसाइड करना होगा कि आप किसको ऑथराइज करेंगे। मतलब ऐसा तो नहीं कि आप किसी को ऑथराइज कर देंगे। इसके अलावा लिख रहे हैं कि एक और चीज़ जो है कि फिक्स करना होगा आपको नंबर ऑफ वोट्स ऑफ प्रॉक्सी कुड कास्ट इन द इलेक्शन, कि एक आदमी कितने वोट डालेगा। जैसे मान लीजिए आपने किसी को ऑथराइज़ कर दिया, अगर आपकी पूरी फैमिली 5 लोग बाहर रहते हैं और आपने घर के एक मेंबर को ऑथराइज़ कर दिया, तो एक मेंबर कितनी बार वोट दे सकेगा, इसको भी, ये भी कंसर्न है, इसको भी डिसाइड करना होगा। और देखिए लिख रहे हैं कि ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ऑफ द लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एंड द यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये जो ऊपर लिखा हुआ था एलडीएफ यूडीएफ, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हैव ओवरसीज सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपेन वुड एक्सटेंडेड टू गल्फ एंड कंट्रीज टू। तो ये लिख रहे हैं कि अब इनको कंपेन अपना बढ़ाना होगा और गल्फ कंट्रीज में, जो कि बहुत ज़्यादा इनकी तादाद है, तो वहाँ पर ये इनको कंपेन अपना एक्सटेंड करना होगा। अगली न्यूज़ ये देखिए, पोर्शन ऑफ द फोर्ट, ये जो पोर्शन ऑफ द फोर्ट वॉज फॉल, श्रीरंगपत्नम की न्यूज़ है। श्रीरंगपत्ना आप लोगों को पता होगा, टीपू सुल्तान से रिलेटेड आपने अगर पढ़ा हो तो श्रीरंगपत्नम में क्या हुआ था कि वहाँ पे जो फोर्ट था उसकी जो दीवार है वो गिर गई है, उससे रिलेटेड न्यूज़ है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि श्रीरंगपत्नम फेमस क्यों है, तो देख लेते हैं श्रीरंगपत्नम है क्या। देखिए, ये जो फोर्ट है ये इसको बनवाया था, ये कर्नाटका में है और इसको बनवाया गया था 1454 में। हाँ, और ये नायका जो एक डायनेस्टी थी उसी के मेंबर ने, तिमन्ना नायका ने इसको बनवाया था। और ये फोर्ट केम इन टू प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द रूल ऑफ द टीपू सुल्तान। सो इसकी प्रोमिनेंस टीपू सुल्तान के वक्त ही ज़्यादा हुई। ठीक है, तो टीपू सुल्तान की वजह से ही ये ज़्यादा फेमस है। और इसके अलावा देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि लाल महल और टीपूस पैलेस भी इसमें था, लेकिन इसको बाद में जब ब्रिटिश ने इसको कैप्चर किया 1799, आपको पता होगा एंग्लो मैसूर वार, तो उसमें क्या हुआ, इसको डिमोलिश कर दिया गया। इसके अलावा एक और चीज़ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है वो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सो हम देख लेते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है। देखिए, ये गवर्नमेंट एजेंसी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से अटैच है और ये रिस्पॉन्सिबल है, इसका काम है, ये आर्कियोलॉजिकल रिसर्च करती है और ये कल्चरल जो मोनूमेंट्स होते हैं, कल्चरल जो साइट्स होते हैं उनका कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन भी करती है। और ये बनाई गई थी 1861 में अलेक्जेंडर जो है कैनिगम, ठीक है ना, अलेक्जेंडर कनियहम, तो अलेक्जेंडर कनियहम ने इसको फॉर्म किया था। और सॉरी, कनिंगम ही है हाँ, ये वही है, अलेक्जेंडर कनिंगम, और इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी वही बने थे। तो अलेक्जेंडर कनिंगम को याद रखें, 1861 में बनाई गई थी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है, मॉन्यूमेंटल प्रिजर्वेशन प्रोक्योर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, आप लोग ज़रूर इसको याद रखें। और ये देखिए, एक न्यूज़ जो है जनपीठ अवार्ड से रिलेटेड है। तो ये रिलेटेड इसलिए हमारे लिए, देखिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये अवार्ड है। ठीक है, इसके अलावा ये कुवेंपू, देखिए न्यूज़ ये है कि कोई एक कुवेंपू है, ये नॉवेलिस्ट है और पोएट है। सो इनका ये बर्थ प्लेस है, ये कुपाली हिल्स है कर्नाटका में, तो इसमें वैंडलिज्म वगैरह कुछ हुआ है। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कुवेंपू के बारे में थोड़ा सा देख लें और ये जनपीठ अवार्ड। तो पहले जनपीठ अवार्ड देख लेते हैं क्या है। तो जनपीठ अवार्ड है, ये लिटरेचर की फील्ड में दिया जाने वाला अवार्ड है, इंडियन लिटरेचर में दिया जाता है, और भारतीय जनपीठ जो है वो इस अवार्ड को देती है। ये एनुअली दिया जाता है, हर साल दिया जाता है, और ये जो है 1961 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, द अवार्ड इज बेस्टोड ओनली ऑन इंडियन राइटर इन इंडियन लैंग्वेज, इंक्लूडेड इन द एट शेड्यूल में जो भी लैंग्वेजेस हैं उनमें ये अवार्ड दिया जाता है। इसके अलावा
इंग्लिश को भी, इंग्लिश लिटरेचर को भी दिया जाता है, ठीक है। तो एट्थ शेड्यूल में जितनी लैंग्वेजेस हैं, और आप हमें कमेंट में लिख के बताएं कि एट्थ शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस है, राइट। और इसके अलावा इंग्लिश में दिया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें मरने के बाद इस अवार्ड को नहीं दिया जाता, ठीक है, नो पोस्थमस कन्फरल। आइए देख लेते हैं ये कोएम्पु जो है आखिर ये इतने फेमस क्यों हैं। तो ये देखिए क्या है कि ये कनाडा के कन्नड़ जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज के ये नॉवेलिस्ट भी हैं, पोएट हैं, प्ले राइटर हैं, क्रिटिक हैं, थिंकर हैं, और ही वाइजली कंसिडर है। इनको ग्रेटेस्ट कन्नड़ पोएट कहा जाता है 20th सेंचुरी का, ठीक है। और ये पहले कन्नड़ राइटर हैं जिनको जनपीठ अवार्ड दिया गया, तो इसीलिए ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये पहले कन्नड़ लेखक है जिनको ये अवार्ड दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे आरएसएस लीडर अटैक ये हमारे लिए नहीं है। ओवर ये देखिए डेंगू के फिर से केसेस, हमने कुछ दिन पहले ये न्यूज़ डिस्कस की थी, वैसे फिर से आपको एक बार बता देता हूँ कि ये जो डेंगू है ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। और ये मतलब इसमें जो वेक्टर जो है यहाँ पे, वेक्टर का मतलब ये होता है कि ये इन्फेक्शन को कॉज करते हैं, ये इन्फेक्शन से एक दूसरे को फैलाते हैं। जैसे फ्लाइज जो होती हैं वो भी क्या करती हैं, इसका काम करती हैं, ठीक है। और ये मच्छर जो होते हैं वो भी वेक्टर का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो वेक्टर है वो एडीज एजिप्टी है, आप याद रखें, एडीज एजिप्टी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है डेंगू। और डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो जाती है। और इसके सिम्टम्स अगर मैं बता सकूँ तो वो देखिए काफ़ी हेडेक होती है, रैशेज आपको स्किन पे देखने को मिलेंगे, और फीवर भी बहुत हाई होता है। इसके अलावा आपको जॉइंट पेन होता है, सीवियर जॉइंट पेन आपको होगा। तो ये तो थोड़ा सा डेंगू के बारे में हमने देखा। बढ़ते हैं आगे, कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज़। देखिए जी जो है जम्बोज, जिस एलिफेंट जिसको कहते हैं, एनिमल और ह्यूमन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी देखने को मिल रहा है। और ये लिख रहे हैं 32 पीपल हैव बिन किल्ड, 32 पीपल यहाँ पे मारे जा चुके हैं। और मेन देखिए क्या हुआ है, ये हालांकि आंकड़े तो ये कह रहे हैं कि पिछली बार से कुछ इसमें कमी आई है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि पिछली बार से 2016 से 2015 में ये 112 था, और 2016 में 84 पीपल का ही अटैक हुआ है, लेकिन फिर भी ये आखिर प्रॉब्लम तो है ना। तो इसके लिए इन्होंने कुछ मेज़र भी लिए हैं, जो इन्होंने इसमें लिखा है कि इन्होंने स्पेशल व्हीकल लॉन्च की है जो क्या करती है, जो ह्यूमन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट को टैकल करने के लिए है। और ये क्या करती है, विच फेस ट्रैंक्विलाइजिंग एनिमल एंड ट्रैकिंग देर, उनके मूवमेंट को एक तरीके से ट्रैक करती है, और ट्रैंक्विलाइजिंग यानी उनको अनकॉन्शियस या बेहोश करने के लिए भी यूज़ की जाती है, ठीक है। तो इस ये लिख रहे हैं कि वजह इसकी क्या है, ये आखिर इतना कॉन्फ्लिक्ट क्यों बढ़ रहा है। ये लिख रहे हैं जो फ्रेगमेंटेड फॉरेस्ट है वो एक तरीके से उनके लिए नेचुरल हैबिटाट नहीं है एलिफेंट के लिए। सो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसके अलावा ये भी लिख रहे हैं उनकी जो फूड हैबिट्स है उसमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिल रहा है, और ये अब सर्वाइव कर रही है एग्रीकल्चरल क्रॉप्स पे, जूसी वेजिटेबल एंड फ्रूट क्रॉप्स पे ये चूँकि अब सर्वाइव कर रही है, इसीलिए अब ये निकल के जंगलों से बाहर आती है इधर, ठीक है। तो ये न्यूज़ थी, इसमें इतना काम की चीज़ें हमने देख ली। ये थोड़ा सा डाटा दिया हुआ है तो बंगाल में सबसे ज़्यादा है, उड़ीसा, झारखंड, फिर आसाम इस तरीके से। और ये भी दिया हुआ है कि किस साल में कितना था। तो केसेस देखिए आप लोगों को घटते हुए ही देखने को मिल रहे हैं, 63, 62, 66, 42 ऐसे। तो और इसके अलावा कुछ मीज़र इसमें लिख रहे हैं, देखिए सेंसिटाइजिंग पीपल ओवर द पास्ट फ्यू ईयर, ये लिख रहे हैं कि ये भी हमने काम किया है, और इससे क्या हुआ, लोगों में अवेयरनेस आई है कि उसको कैसे, हाउ टू डील विथ एलिफेंट, कि उसको हाथी को कैसे डील करना है। तो ये तो रही न्यूज़। बाकी देखिए एक तेजस एक्सप्रेस में देखिए अभी जल्दी ये ट्रेन लॉन्च हुई थी, अगर आपको पता हो तो, ये हाई स्पीड ट्रेन है, इसमें ये 24 पैसेंजर फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। तो बस आप इतना ही जाने। और इसमें देखिए गवर्नमेंट की, IRCTC जो गवर्नमेंट की एक वो है, यही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, क्योंकि यही कैटरिंग का वहाँ पे काम करती है इस ट्रेन में। बाकी देखिए एक न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है, INS किल्टन देखिए ये हमें देखना होगा। INS किल्टन जो इंडिजिनस बिल्ट है, इंडिजिनस बिल्ट का मतलब यहाँ पे हमने खुद बनाया है। इसके अलावा ये है एंटी सबमेराइन वारफेयर, ठीक है, ये स्टील्थ क्लास का एंटी सबमेराइन वारफेयर है, इसको आप याद रखें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट देखिए ये क्या कर रही है, ये जो आधार लिंकिंग की बात थी, आधार को बैंक अकाउंट और फोन से लिंकिंग की बात थी, इस पे सुप्रीम कोर्ट प्ली अगेंस्ट, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देने वाली है। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, फैसला आ जाने दीजिए इस पे, ठीक है।
और बस एक चीज़ आप ये जान लीजिए कि ये कह रहे हैं कि ये फंडामेंटल राइट जो है, राइट टू प्राइवेसी, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट, उसको एक तरीके से ये वायलेट करती है। इसके अलावा जो हमारा आर्टिकल 300A है, जो राइट टू प्रॉपर्टी है, उसको भी ये वायलेट करती है, क्योंकि ये लिख रहा है कि आर्टिकल 300 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोटेक्ट पर्सन राइट टू प्रॉपर्टी नॉट बी डिप्राइव प्रॉपर्टी। तो ये कह रहे हैं कि बैंक अकाउंट एंड मोबाइल भी एक तरीके से पर्सनल प्रॉपर्टी है, सो एक तरीके से आर्टिकल 300A का भी ये वायलेशन है। इसके अलावा देखिए, एनजीटी ने सीख किया है, ग्रीन गंगा जो क्लीनिंग काम हो रहा है उस पर रिपोर्ट मांगी है एनजीटी ने। एनजीटी को हालांकि हम देख चुके हैं, लेकिन फिर आज देखेंगे, हम बार बार देखते रहेंगे जितनी बार ये ऑर्गेनाइजेशन मेंशन होंगे, क्योंकि हमें यहीं पर सारी तैयारी यहाँ पर ताकि हमारी हो जाए, फिर अलग से हमें ना देखना पड़े। तो एनजीटी जो है ये ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत बनाया गया था, ये पार्लियामेंट का एक एक्ट है, इसके थ्रू बनाया गया था, और ये स्पेशल ट्रिब्यूनल है जो कि इसका काम क्या है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी इशू है उसको एक तरीके से उसका जल्दी से जल्दी निपटारा करना, एक्सपेडिशियस डिस्पोजल, मतलब कि जल्दी से तुरंत क्या नाम है इनका फैसला करना, वो इनका काम है। और इसके अलावा ये देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो लिखी हुई है कि इट ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 21 लाइफ टू पर्सन एंड लिबर्टी की स्पिरिट को एक तरीके से इस पे ये काम करता है, क्योंकि ये क्या हमें प्रोवाइड करता है, ये राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट। और राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ, राइट टू लाइफ, ये इसका एक पार्ट है, राइट टू लाइफ का एक ये पार्ट ही है, ठीक है। उसके अलावा ये एक में इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे आप लोगों को देखनी होगी वो ये है कि ये क्या करता है, ये सिविल प्रोसीजर कोड से ये गाइडेड नहीं है, बल्कि ये नेचुरल जस्टिस के थ्रू गाइडेड होता है, ठीक है। तो सीपीसी की जो हमारी 1908 की जो धारा है उससे ये गाइड नहीं होता है उसको, बल्कि ये नेचुरल जस्टिस पे बेस्ड है, ठीक है। इसके अलावा ये ट्रिब्यूनल का देख लें कि 6 महीने के अंदर ही इसको डिस्पोज करना होता है फाइल के बाद, ठीक है। तो इसको आपने जब फाइल किया उसके 6 महीने के अंदर ही इसको डिस्पोज करना होता है। इसकी प्रिंसिपल जो ब्रांच है वो दिल्ली में है, इसके अलावा भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में भी इनकी ब्रांचें हैं। एनजीटी को हमने देख लिया, और ये देखिए एक न्यूज़ है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड, और एसटी के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की मांग कर रहे हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि आपकी जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से आपको रिप्रेजेंटेशन मिले, ठीक है ना। आपको लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ उसमें पार्लियामेंट में आपको आपकी पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिले, इसी को कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 330 और 332 में ये मेंशन है, तो ये याद रखें, आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 ये किस चीज़ को डील करता है, रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एससी एंड एसटी इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि एज पर SC ST ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट 2002, सेवरल ट्राइब्स कम्युनिटीज पार्ट्स ऑफ द ग्रुप्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब। सो इस एक्ट के थ्रू कुछ क्या नाम है, ट्राइब्स और कम्युनिटीज को भी इसमें ऐड किया गया। तो आप ये दो आर्टिकल याद रखें, आर्टिकल 330, आर्टिकल 332, ठीक है। और ये है एडिटोरियल, एडिटोरियल हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। और अगली न्यूज़ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है ये देखिए, प्रो बोनो हमने एक डिस्कस कर लिया ऊपर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और ये इन्होंने इसको फिर से वही मेन पेज की न्यूज़ है, आगे अंदर डिटेल में बता रहे हैं कि इंटीग्रिटी और कंडक्ट, रेपुटेशन एंड द नंबर ऑफ द रिपोर्टेड जजमेंट इन विच द एडवोकेट हैज़ अपियर्ड वुड बी फैक्टर्ड इन द कमिटी बिफोर रिकमेंडिंग समवन एज अ सीनियर एडवोकेट। तो ये हमने हमने ये न्यूज़ डिस्कस की, हालांकि सीनियर लॉयर को रिकमेंडेशन के लिए ये सारी चीज़ें, उनका कंडक्ट, उनकी इंटीग्रिटी, उनका रेपुटेशन और नंबर ऑफ द क्या नाम है जजमेंट, ये सब कंसीडर किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सीनियर लॉयर, और चूंकि देखिए सीनियर जो लॉयर होता है वही एक तरीके से, जब आप सीनियर लॉयर की आप उसे पोस्ट दे रहे हो तो जाहिर सी बात है आप उसको ये सारी उसमें कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो अगर आप जजेस का भी अपॉइंटमेंट कर रहे हो तो एक तरीके से वो ज़्यादा उसके लिए क्वालिफाइड बंदा है, तो ये सारी चीज़ें होंगी, तो वो सारी चीज़ें अल्टीमेटली जजेस में भी होनी चाहिए, तो वही इसको यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है ये है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है और एक स्टेट लीगल एड जो है ये क्या करती है, फ्री लीगल एड का काम करती है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये क्या करती है, फ्री में केस लड़ती है, ठीक है। तो ये सपोर्ट करती है गरीबों के लिए, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। एक तरीके से जस्टिस का काम करती है गरीबों के लिए और उनकी हेल्प करती है। और ये देखिए, जो अरुण जेटली कई दिनों से ये वाशिंगटन में है, और इन्होंने फिर वही कहा है कि हमारी जो
पॉलिसी है वो सपोर्ट कर रही है, हैज़ ह्यूज सपोर्ट फॉर इट्स पॉलिसी, मतलब बहुत ही उसका पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है। ये कह रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस ही क्रिटिसाइज़ कर रही है, वरना हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है लोगों का। और ये भी कह रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन के बाद ही हमने वो इलेक्शन जीता था यूपी का, और हमें उम्मीद है कि जीएसटी हमने लागू किए तो गुजरात का भी इलेक्शन जीतेंगे, ये यहाँ पे इन्होंने लिखा है। इसके अलावा लिख रहे हैं कि अभी इसके जो फ्रूट्स हैं जो आपको इसका वो अभी विजिबल नहीं है, यानी कि आपको इसके परिणाम बाद में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा लिख रहे हैं कि ग्रोथ अप स्टिक, ग्रोथ अब धीरे धीरे अब ऊपर उठ रही है। इसके अलावा ये दिख रहे हैं मेडल से रिलेटेड न्यूज़ है, इसमें ये कहा गया है कि डिफेंस मिनिस्ट्री में एक जो ये प्रोक्योरमेंट का काम होता था तो इसकी टेंडरिंग के काम को फिलहाल विड्रॉ कर लिया गया है और ये किसी दूसरी उसको देना है ऑर्गेनाइजेशन को। सो उसमें फिलहाल ये लिखा होगा फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट ऑफ ओरिजिनल मैंडेट फॉर द मिलिट्री पर्सनल कंट्रीज टू डिपेंड ऑन द डुप्लीकेट वंस ब्रॉड। देखिए कुछ में कुछ मिक्सिंग का काम चल रहा है, डुप्लीकेशन का काम हो रहा था, सो इस फिलहाल इसको टेंडर को रोक दिया गया है। इसमें कुछ खास हमारे लिए है नहीं। वैसे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़, डोकलाम वाला जो इशू हुआ था, देखिए उसकी वजह से एक इंडिया को थोड़ा सा सेटबैक हुआ है। जो एक एम्बिशियस हाई स्पीड ट्रेन का प्रोजेक्ट था जो चेन्नई से मैसूर वाया बेंगलुरु, ठीक है ना, चेन्नई टू मैसूर, सॉरी चेन्नई कनेक्टेड चेन्नई एंड मैसूर वाया बेंगलुरु, ठीक है। हाँ तो ये जो प्रोजेक्ट था इसको फिलहाल ये डिले हो गया है क्योंकि चाइना की तरफ से, चाइना की कंपनी थी जो जिस पे काम कर रही थी और इसने सारे सर्वे वगैरह सब किए थे, लेकिन अभी फिलहाल उन वो लोग इस पे ये डोकलाम इशू के बाद से इस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो ये लिख रहे हैं फिलहाल वो डिलेल होता दिखाई दे रहा है। फिर इसके अलावा एक यहाँ पे न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट 6, एक मिनट आपको जूम कर देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि गवर्नमेंट से कहा है कि आप गाइडलाइंस तैयार कीजिए एबॉर्शन पे, क्योंकि देखिए दोस्तों एक क्या होता है कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए यानी अबॉर्ट करवाने के लिए 20 वीक्स एक सीमा रखी गई है, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिनमें माँ या बच्चे को दोनों को कभी खतरा होता है या इमेच्योर या कुछ, अभी देखिए एक किडनी फेलियर की प्रॉब्लम आई थी तो ये था कि वो बच्चा बाद में बचेगा नहीं, तो 20 वीक के बाद भी कुछ एक्सेप्शनल केसेज में एबॉर्शन को अलाउ किया जाता है। तो वही कह रहे हैं गवर्नमेंट से कि आप इस पर एक गाइडलाइंस तैयार कीजिए, और ये जो एक्ट आप याद रखिएगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, तो यही क्या करता है प्रोहिबिट करता है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को 20 वीक के बाद, ठीक है। तो 20 वीक तक आप अबॉर्ट करवा सकते हैं लेकिन उसके बाद नहीं करवा सकते इस एक्ट के तहत। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं तो उसमें इजाज़त लेनी पड़ती है कोर्ट से। इसके अलावा ITBP रेजेस मेडन मैकेनाइज, ITBP देखिए हम देख लेते हैं क्या है, इन्होंने एक मैकेनाइज कॉलम तैयार किया है और पहला कॉलम है जो इन्होंने तैयार किया है। मैकेनाइज्ड कॉलम के बारे में बता दूं आप लोगों को, मैकेनाइज्ड कॉलम वो होते हैं जिनमें वारफेयर आर्म वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, इसमें बैटलफील्ड में वो रहते हैं, ठीक है। और ये देखिए ITBP हम देख लेते हैं क्या है, ITBP जो है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है, वन ऑफ द 5 जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस है उसका एक पार्ट है, और 24 अक्टूबर 1962 को ये CRPF एक्ट के तहत बनाया गया था, ठीक है। और सीनो इंडिया जब वार हुई थी, इंडिया चाइना जब वार हुई थी 1962 में, उसी के वक्त ही इसका ये अस्तित्व में आया या इसको इस्टेब्लिश किया गया। और इसका इंटेंशन क्या था, इनको इंडो चाइना जो बॉर्डर है या तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन है उस पर इनको डिप्लॉय किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने देखा कि ये क्या होते हैं। एक अगर चीज़ मैं आप लोगों को दिखा सकूँ, मैकेनाइज, ये देखिए ये इसी को कहते हैं मैकेनाइज कॉलम, ये अगर आप देख रहे हो तो ये देखिए यही है मैकेनाइज कॉलम। तो ये ITBP ने पहली बार इन्हें बनाया है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, और ये एक इटली से रिलेटेड न्यूज़ है, अगस्ता जो वेस्टलैंड जो जो चॉपर वाला ब्राइबरी वाला जो केस था जो स्कैम हुआ था उसमें इन्होंने वहाँ से एक बयान आया है कि अगर इंडिया चाहे इंडिया कैन मूव रिक्वेस्ट फॉर अगस्ता केस एक्यूज्ड 2 मंथ, सो 2 महीने के अंदर अगर आप रिक्वेस्ट करें तो हम उनको प्रत्यर्पण उनका कर देंगे, उनको एक तरीके से अगर मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो केस था ब्राइब से रिलेटेड था, इसमें बीच में कुछ लोगों ने मीडिएशन का काम किया था और गुइडो हैश के ये नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। और हाँ तो ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया रिक्वेस्ट करे तो एक्स्ट्रेडाइट का ये काम यानी प्रत्यर्पण कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इस पे हमारे लिए कुछ खास न्यूज़ नहीं है। और ये न्यूज़ आप एक बार तो देख लें, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे सोमालिया में ब्लास्ट हुआ है तो आप लोकेशन थोड़ा देख लें। सोमालिया जो है ये देखिए, सोमालिया, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु, और इसके अलावा इससे रिलेटेड देखिए ये थोड़ा सा देख लें आप, इंडियन ओशियन
ये देखिए इंडियन ओशियन से ये सटा हुआ, और इसका इसके जो नेबर कंट्रीज हैं सटे हुए, देखिए केन्या, इथोपिया, और ये है ठीक है ना, ये गल्फ ऑफ एडन। तो ये थोड़ा सा याद रखें, और इसकी लोकेशन को बस आप याद रखें, बस यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए बांग्लादेश के चीफ जस्टिस पे 11 चार्जेस लगाए गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया स्टेटमेंट एलिगेशन अगेंस्ट इन सिन्हा, ठीक है। इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे यंगेस्ट चांसलर बन गए हैं, और इनका नाम ये 31 ईयर इनकी एज है, और सबास्टियन कुर्ज इनका नाम है, ठीक है। और हाँ देखिए आईएमएफ से रिलेटेड फिर न्यूज़ है, आईएमएफ की जो चीफ हैं क्रिस्टिन लिगाडे, इन्होंने कहा है कि इंडियन इकोनॉमी ए वेरी सॉलिड ट्रैक इन मीडियम टर्म। तो मीडियम और लॉन्ग टर्म में फिलहाल तो इसमें थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, लेकिन मीडियम और लॉन्ग टर्म ये बता रहे हैं कि ये बहुत ही सॉलिड रॉक पे है, यानी कि बहुत ही एक तरीके से स्टेबल कह लीजिए। और तो हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आईएमएफ, हालांकि हम देख चुके हैं फिर भी देखेंगे। देखिए आईएमएफ का फॉर्मेशन हुआ था 1944 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी में है। तो आईएमएफ का काम क्या है, आईएमएफ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये वाशिंगटन डीसी में जो है, और 189 कंट्रीज़ हैं, और ये क्या करती हैं, ग्लोबल मॉनिटरी कोऑपरेशन, इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेट को फैसिलिटेट करने का काम करती हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के प्रमोशन के लिए, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, सस्टेनेबल इकोनॉमी के लिए, ग्रोथ के लिए, पावर्टी से रिलेटेड, पावर्टी को कैसे कम किया जाए, ये सब सारे इनके फंक्शन हैं। और ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में इसको फॉर्मेशन हुआ था 1944 में, ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखें। और ये आइडिया किसका था, हैरी डेक्सटर वाइट एंड ये किन्स जो थे, इनका नाम आपने सुना होगा, ये इकोनॉमिस्ट थे, जॉन मिनार्ड किन्स ये, ठीक है। और इसका ये एग्जिस्टेंस में आया 1945 में, 1945 में। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखें। इसके अलावा ये भी काम करता है कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की डिफ़िकल्टीज अगर कहीं होती है तो उसको भी ये देखता है, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस को भी ये डील करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने आईएमएफ से रिलेटेड देखी। इसके अलावा देखिए हमारे जो नीति आयोग के जो चीफ हैं ये कह रहे हैं कि जीडीपी 7% तक फाइनेंशियल ईयर 18 में ये ग्रो करने वाली है, और इन्होंने 75% कहा है। हाँ हाँ इन्होंने कहा है कि 69 to 7% इन दिस फिस्कल ईयर एंड 7.5% इन 2018-2019। सो आई थिंक बाय द टाइम यू केम टू द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2018 यू विल बी सी ए स्ट्रॉन्गर। तो ये रिकवरी की काफ़ी इन ये उम्मीद जता रहे हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, आगे इस पे हमारे लिए कुछ खास नहीं है, और द नेक्स्ट पेज इज़ अबाउट स्पोर्ट, सो विल स्किप दिस पेज, ओके। और आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए ये भी स्पोर्ट का ही पेज है, और नेक्स्ट पेज जो है इस पे हमारे लिए एक देखिए, हाँ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मेल्टिंग आइस जो हो रही है ग्रीनलैंड में, वो एक तरीके से लिख रहे हैं उसकी वजह से क्या होगा, जब आइस मेल्ट होगी तो आइस जो होती है वो फ्रेश वाटर के फॉर्म में होती है, तो उससे क्या होगा, फ्रेश वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो वाटर की जो सैलिनिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। जो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, सैलिनिटी को अभी वर्ड नहीं याद आ रहा, सैलिनिटी आप तो समझते होंगे ना, मतलब नमक खारा पानी जिसको कहते हैं, जिसमें साल्ट ज़्यादा होता है, तो वो उस साल्ट कहना सैलिनिटी कम हो जाएगी, तो उसका देखिए कह रहे हैं कि इसका बहुत बड़ा अफेक्ट आने वाला है, और इससे क्या होगा, फ्रेश वाटर कंटेंट विल अफेक्ट द कंडीशन इन ऑल ग्रीन लैंड, ठीक है ये कह रहे हैं। इसके अलावा क्या होगा कि आइस इन द आर्कटिक ओशियन हैज़ रिसीव्ड ग्रेट अटेंशन इन द इजी टू ऑब्जर्व, और ये सेटेलाइट के थ्रू आप इस इमेज से आप पता लगा सकते हैं कि ये आइस मेल्टिंग हो रही है, और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है, ठीक है। और ये कह रहे हैं 1983 और 2003 में ये जो हुआ था उससे ज़्यादा वो मोर देन डबल ये पिघल गया है, और ये कह रहे हैं कि फ्रेश वाटर विल अफेक्ट द मैरीन एनवायरमेंट, ठीक है, ये मैरीन एनवायरनमेंट को ये वहाँ पे एक तरीके से प्रभावित करेगा, और ये ग्लोबल ओशन जो करंट होती हैं जो उसको जो है कह रहे हैं कि उसको भी प्रभावित करेगा, और मैरीन लाइफ को तो हमने बता ही दिया। और इसके अलावा देखिए ग्लोबल ओशियन करंट दैट की जो ओशियन करंट जो है, ग्लोबल ओशन जो यूरोप को गर्म रखती हैं, सो उसको ये इफेक्ट करेगा, तो वहाँ के वेदर में आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। और ये देखिए एक साइंटिस्ट ने एक वॉच बनाई है जो न्यूक्लियर ब्लास्ट में भी सरवाइव कर सकता है और इरेडिएशन को भी झेल सकता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा ये लेबनान से रिलेटेड न्यूज़ है, इन्होंने अब कैनाबिस को छोड़ के क्या किया है, अब ग्रेप्स का हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, एंड विल मीट इन, हम मिलते हैं अभी थोड़ी देर में एडिटोरियल के साथ।